गौर से देखिए शख्स को ये चटनी। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और सीन कुछ ऐसा है, महादेव के आशीर्वाद से 15 दिन की चिनाई के बाद आज मेरा लिंटर पड़ रहा है, फाइनली लिंटर पड़ रहा है। और आपको पता है 4 दिन की जो बारिश आई थी उस कारण से मेरा थोड़ा लिंटर लेट हो गया है। अब एक हफ्ता पूरा लेट हो गया, लेकिन आज लिंटर पड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। मशीन लग चुकी है, जाल बिक चुका है, सब कुछ एवरीथिंग इज कम्प्लीट, बस नीचे से माल आना बाकी है। चलिए तौफीक भाई, क्या हाल चाल है? ये हेड मिस्त्री हमारे, ये एक भाई साहब ये हैं हमारे। आपका नाम? मोबिन। वो यासिन भाई हाय करो। शाकिर भाई, ये लोग मालदन से टीम आई है हमारी पूरी, जो ये लिफ्ट लेके आती है, लिफ्ट से लिंटर डलेगा। ये देखिए लिफ्ट आएगी नीचे से, लिफ्ट से लिंटर डलेगा। और ये कुछ रहा लिंटर, थोड़ा बारिश की वजह से लेट हो गया, अदरवाइज बहुत टाइम से लिंटर पड़ जाता हमारा। एक हफ्ता पूरा लेट हो गया बारिश ने, बड़ा टाइम खराब कर दिया। ये पूरा इतना लिंटर पड़ना है आज। और वो मालदन से टीम आई भी लिफ्ट लेकर, जो लिफ्ट से लिंटर पड़ेगा को अब 1-2 घंटे में ये सारा निपटा देंगे। देख रहे हैं आप, यही मशीनरी का यही फ़ायदा है हम सबको। नीचे से आ रही है लिफ्ट, माल हो रहा है तैयार नीचे। अभी चलता हूँ मैं, आपको नीचे से दिखाता हूँ जब से माल नीचे से आएगा, और लिंटर का ये पूरा ब्लॉक शूट होगा। और हाँ, आज हमारे कपूर एंड कपूर रावत कंस्ट्रक्शन के ऑनर साहब भी आए हैं, कपूर रावत जी जो हमारे ठेकेदार हैं, उनसे भी आपको मिलाते हैं आज। इंटरेस्टिंग पर्सन है बहुत ज़्यादा। हाँ, उनका मैं सूक्ष्म परिचय आपको दे दूँ। डांस दीवाने 3 सीजन में जो अभी जीत कर आए हैं सोमांश नंगवाल, वो उनके मामा श्री हैं। अभी वो नीचे हैं, अभी उनसे मिलाते हैं आपको। एक्चुअली मैंने लाइट में थोड़ी सी कंसील्ड वगैरह कम लगवाई है। मैंने रिव्यू देखे तो जब लिंटर होता है हमारा, उसमें कम से कम पाइप लगें तो लिंटर के लिए अच्छा होता है। वो ज़्यादा पाइप लगेंगे तो उसकी ग्रिप अच्छी नहीं होती, जितने ज़्यादा पाइप लगेंगे लिंटर में उतना ज़्यादा लिंटर मतलब चटकने के या दरार आने के चांसेज रहते हैं। इसलिए मैंने कंसील्ड लाइट बहुत कम मंगाई है। मतलब मैंने मंगा तो ज़्यादा ली थी, मतलब 12 लाइटें कंसील्ड मंगाई थी मैंने इतने से एरिया में, बट मैंने वो वापस कर दी और मात्र 4 लाइटें लगाई हैं। एक्चुअली कभी भविष्य में अगर मुझे फोर्सलिंग का काम कराना हुआ तो जो मैंने लिंटर में कंसील्ड लगवाऊंगा तो उसका तो कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, बेकार हो जाएंगी। इस वजह से वो लाइटें मैंने वापस करवा दी हैं और लिंटर में बिल्कुल ना के बराबर लाइट लगाई। जो आगे मेरा छज्जा निकला है फ्रंट में, जो छज्जा ने केवल उसमें 2 कंसील्ड लगी हैं, बाकी कंसील्ड मैंने वापस करवा दी हैं। बाकी कभी भविष्य में फोर्सलिंग कराएंगे तो कितनी भी लाइटें लगवा लो आप, वो लिंटर के लिए ज़्यादा बढ़िया है। और जितना ज़्यादा लिंटर में आपके पाइप लगेगा तो उतना ज़्यादा आपका लिंटर टपकने के या दरार आने के चांसेस रहते हैं। तो मुझे यही राय किसी ने दी, जो हमारे इलेक्ट्रिशियन थे हमारे खुशी भाई, उन्होंने मुझे बताया। इस वजह से मैंने लिंटर में जो कम से कम कंसील्ड रखी है। और आज तौफीक भाई के सुपरविजन में हमारा लिंटर डल रहा है। बड़ी मन्नतों के बाद आज इन्होंने हमारे लिंटर की तैयारी करी है। और सुबह से इतना लेट आए हैं ये तौफीक भाई हमारे, गौर से देखिए आप इनको, इनकी वजह से मेरा 1-2 घंटे लिंटर आज लेट है। क्यों तौफीक भाई? कि जरूरी काम में थे तो ये। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लग रहा है सीमेंट का घोला बिछ रहा है, इसके बाद नीचे से कंक्रीट बनकर आएगा मशीन में। अच्छा, मशीन में ही नीचे से घोला बनकर आया, मशीन में ही आया। अच्छा, मशीन में घोला आया। ये शाकिर भाई घोला बिछाते हुए, तो गाइज आपको मिलाते हैं अपने ठेकेदार, अपने कपूर रावत एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर कपूर रावत जी से मिली हमारे। ये देखिए, ये है, ये मुझ मुँह मत छुआ कपूर भाई, ये क्या बात है? तुम इधर आओ, पहले चश्मा पहन लो। अरे हाथों की इधर आओ यार, तुम ब्लॉग में क्यों नहीं आ रहे मेरे? और ये देखिए गाइज, पहला घान आ चुका है लिंटर का नीचे से। ये देखिए पहला घान लिंटर का नीचे से आया है। और अब ये लिफ्ट जा रही है नीचे कुछ इस तरीके से। ये देखिए गई, ये और ये पहला घाम बिछ रहा है।
नीचे का कुछ सीन देखिए, क्या सीन चल रहा है नीचे। वो लगी है लिफ्ट से ऊपर जा रहा है। फाइनली गाइज, महादेव के आशीर्वाद से मात्र 3 घंटे में लिंटर हो चुका है कंप्लीट। ये देखिए, सुबह 11 बजे के करीब हमने स्टार्ट किया था, अभी बज रहे हैं दिन के 2, तो 3 घंटे लगे हमें। बीच में एक टी ब्रेक वगैरह भी लिया था। बहुत अच्छी तरीके से लिंटर हो गया है कंप्लीट, और अब बारी है मिष्ठान वितरण की। मैं जाता हूँ नीचे, इन मिस्त्रियों के लिए चाय वगैरह समोसे लेके आया हूँ, वो इनको वितरित करते हैं, उसके बाद अपना आप भी खाते हैं। खुशी की बात है, महादेव का आशीर्वाद रहा, बहुत सकुशल मेरा लिंटर भी निपट गया है। और ये देखिए उधर से मशीन खुलती हुई, तो चलिए इनके कुछ मिष्ठानों चाय वगैरह चाय नाश्ते की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद ये लोग भी जाएंगे अपना मालदन चौड़। अरे मिष्ठान वितरण होता हुआ ये देखिए आप, ये कौन बांट रहा है यहाँ चटनी, ये देखिए गौर से देखिए, यहाँ कौन चटनी बांट रहा है गौर से देखिए शख्स को, ये चटनी बांटते हुए अरे मिष्ठान वितरण होता हुआ। खुशी देखो इनके चेहरे में, जैसे कि बिल्कुल इनका मैं रिलैक्स फील करूंगा, भाभी ससुराल जा रखी होंगी, इतनी खुशी हो रही है। तो गाइस वीडियो यहीं करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।